खार्किव में बहुत बड़ा अटैक होने वाला है और खार्किव में जितने भी इंडियंस लोग रह रहे हैं उनके लिए रशिया ने बहुत बड़ी मोहलत दी है, बहुत बड़ी मोहलत कि आप निकल लीजिए जितना तेज़ी के साथ हो सके, बिकॉज वहाँ पे जब हम अटैक करेंगे तो आप अगर वहाँ पे रहेंगे तो बहुत दिक्कत हो सकती है। साथ ही साथ भारत सरकार ने भी इस पे कड़ा एक्शन लिया और बोला है कि तुरंत के तुरंत आप खार्किव छोड़ दें, 9 बजे तक की टाइमिंग मिली थी। और इस पे NDTV की रिपोर्ट क्या कहती है इस वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस सब्जेक्ट पर जानेंगे भी ये है क्या मामला, ठीक है। खार्किव से इस रास्ते पैदल निकल रहे हैं इंडियन स्टूडेंट, जान बचाने कुछ घंटे बस की ही मिली है मोहलत। मैंने आपको जो अभी स्क्रीन पर आपके मैंने मैप शो कर दिया है, ये मैप सैटेलाइट मैप भी है, अगर आप चाहेंगे तो और भी हम आपको मैप दिखा सकते हैं होल स्क्रीन पे। आप समझ लीजिए मैंने आपको रोटेटेड दिखाया है मैप, आप इसे समझ सकते हैं कि खार्किव के किस किस एरिया पे आप निकल सकते हैं और कहां कहां से आप निकल सकते हैं। नियर बाई कहीं भी आप निकल लीजिए, बस खार्किव में मत रहिए, बिकॉज खार्किव में आज रशियन आर्मी अटैक करने वाली है। खार्किव रेलवे स्टेशन से पेसोचिन की ओर अपने साथियों के साथ पैदल निकल रहे हैं। डेनिस ने NDTV की बात हुई और उन्होंने बताया कि रूस की बमबारी के खतरों के बीच हम भारत झंडा इंडियन फ्लैग को लेकर पैदल ही खार्किव से बाहर जा रहे हैं। आप देख सकते हैं ब्लू लाइन जो ये सारी चीज़ें दिखा रही, ब्लू लाइन का मतलब ये है कि इधर ही के रास्ते से लोग आ रहे हैं, ठीक है। यूक्रेन के शहर खार्किव को शाम 6 बजे तक छोड़ने के भारतीय दूतावास ने की एडवाइजरी के बाद खार्किव से 1000 छात्रों से ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट ने शहर से बाहर की तरफ निकल रहे हैं। यूक्रेन बढ़ती रूसी हमले के बीच खार्किव रेलवे स्टेशन पर सैकड़ों भारतीय छात्र ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अचानक आई एडवाइजरी के बाद वहाँ से पैदल ही खार्किव से बाहर निकल पड़े। खार्किव से निकले छात्र पेसोचिन, बॉम्बे और बेजुंडला की ओर बढ़ रहे हैं। इससे इनमें सबसे करीब पेसोचिन है जो खार्किव से 12 किलोमीटर दूर एक कस्बा है। यहाँ तक खार्किव से पैदल पहुँचने में 2-2.5 घंटे का समय ही लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा। खार्किव रेलवे स्टेशन से पेसोचिन अपने साथियों के साथ संग पैदल चल रहे थे, लेकिन डेनिश से NDTV के बाद बात हुई तो उन्होंने बताया कि रूस की बमबारी के खतरों के बीच हम भारतीय झंडे को लेकर पैदल ही खार्किव से बाहर जा रहे हैं। छात्रों के कंधे पर भारी बैग भी है और छात्र कई घंटे से स्टेशन पर खड़े ट्रेन का इंतजार भी कर रहे थे। खार्किव में फंसे छात्रों के माँ बाप ने उनकी सलामती की दुआ कर रहे हैं। पेरेंट्स की दूतावास के साथ हुई एक कॉल के अनुसार बच्चों को पेसोचिन में भारतीय दूतावास के अधिकारियों की ओर से मदद मिलने का इंतजार है। इंडियन इन यूक्रेन की ओर से ट्वीट किया गया कि खार्किव में रह रहे भारतीयों को जरूरी सलाह है कि अपनी सुरक्षा के लिए खार्किव जो शहर है उसको तुरंत छोड़ दें, जितनी जल्दी हो सके संभव हो सके पेशचीन बॉम्बे और बेजुंडला की ओर बढ़ें। हर हाल में उन्हें यहाँ पर यूक्रेन के समय अनुसार मतलब 1800 मतलब 6 इसको कहते हैं, ठीक है, 6 बजे तक शाम 6 बजे तक पहुँचना होगा। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसा लगता है कि भारत की रूस के साथ बात हुई है और खार्किव से भारतीयों को निकालने के लिए कुछ समय दिया गया है। नितिन ए गोयल जी हैं, गोखले जी, इनका जो ट्वीट है द रशियन अपेरेंटली अग्री टू अ 6 आवर a window of allowing safe passages to all Indian Kharkiv before in all out assault been tonight. The deadline is 21:30. इसका मतलब है 9:30 IST Indian time, Indian standard time की मतलब भारत के समय अनुसार about 3 hours from now. इससे पहले यूक्रेन में खार्किव रेलवे स्टेशन पर मौजूद भारतीय छात्रों ने दावा किया था कि उन्हें ट्रेन से उतार दिया गया। भारतीय छात्रों का कहना है कि एक ट्रेन आकर चली गई लेकिन उन्हें ट्रेन में चढ़ने नहीं दिया गया। खार्किव रेलवे स्टेशन पर बर्फबारी के बीच खुले जो खड़े भारतीय छात्र थे उनको कहा गया था कि यहाँ पर ठंड बढ़ रही है और बर्फ पड़ रही है, पता नहीं कब तक हम ऐसे ही खड़े रहेंगे, हमारे साथ लड़कियाँ भी हैं। छात्रों ने गुहार भी लगाई कि जल्द से जल्द इनकी मदद की जाए। खार्किव रेलवे स्टेशन पर इस समय हजारों की भीड़ है। रूसी बमबारी के बीच जान पर खेलकर खार्किव रेलवे स्टेशन पहुँचे हैं सैकड़ों छात्र, भारतीय छात्र जो अब पैदल खार्किव से बाहर निकल रहे हैं। अभी जो अपडेट है NDTV और बहुत सारे मीडिया हाउसेस के हवाले से, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भारतीय सरकार और इंडियन इन रशिया जो है उनके तरफ से जो ट्वीट आया हुआ है उसके माध्यम से सिर्फ यही चीज़ निकल कर आ रही है कि जितना जल्दी हो सके आप खार्किव छोड़ दीजिए। अगर अभी भी कुछ लोग कहीं भी हैं तो प्लीज़ वो आप जल्द से जल्द खार्किव छोड़िए, क्योंकि रशियन आर्मी ने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी है कि आपको एक टाइमिंग दिया कि आप निकल जाइए, बिकॉज उनके अलावा और कोई आपको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं देगा। वो उन्होंने अपनी हर चीज़ों को रोक रखा सिर्फ आपके लिए, भारतीयों के लिए। तो प्लीज़ भारतीयों से विनती है कि जितना जल्द से हो सके आप यूक्रेन का जो ये शहर है खार्किव उसको आप छोड़िए। साथ ही साथ भारत सरकार और भारत की विदेश मंत्रालय का जो जो स्टेटमेंट है उसका अक्षरशः पालन कीजिए। भारत सरकार और विदेश मंत्रालय की जो भी एडवाइजरी होती है, जो भी नोटिस आ रही है, उसका आप अक्षरशः वर्ड्स के साथ उसको फॉलो कीजिए, बिकॉज वो आपको कुछ भी अगर बोलते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज वो रशियन गवर्नमेंट से कनेक्टेड है और वो रशियन गवर्नमेंट से हर एक टू पेज पे जो भी चीज़ें हो रही हैं वो क्लियर हैं, और इसलिए वो हर जब चीज इंश्योरेंस हो जाएंगे उनका तो ही आपको वो चीज़ बोलेंगे। तो इसलिए उनकी बातों को सीरियसली लीजिए और तुरंत के तुरंत वो चीज़ करने की कोशिश कीजिए। अगर भारतीय सरकार ये चीज़ कह रही है कि 9 बजे तक, तो आप कोशिश कीजिए कि जल्द से जल्द हम इसको 4-5 घंटे पहले ही हम इसे छोड़ दें। तो इस तरह की कोशिश कीजिए और भारत सरकार और विदेश मंत्रालय के हर बातों को मानने की कृपा करिए। मैं अपने चैनल के माध्यम से यही सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो भारत सरकार और विदेश मंत्रालय कह रहा है प्लीज उसको मानिए, प्लीज आप उसको मानिए। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।
मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, जिन्होंने पहली बार विजिट किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आते हैं तो आप लाइक भी कर लीजिए, और अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे बेस्ट से बेस्ट मिलती है तो ही आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।